देख सकते हैं नीचे वाला रास्ता जाता है करशियांग और ये वाला रास्ता जाता है डाउहिल। सो अभी हम लोग चले डाउहिल की तरफ। धीरे धीरे भूतिया इलाका में हम लोग घुस रहे हैं। तरफ जंगल, घना जंगल आ गया है। अभी लग रहा है ना कोई हॉन्टेड प्लेस में जा रहे हो। बंधु लोग, मैं फिर से निकल गया हूँ। आज का जर्नी है करशियांग साइट सीन का। एंड हम लोग डिस्कवर करेंगे करशियांग में जितना भी साइट सीन का प्लेस है, इंक्लूडिंग डाउ हिल एंड विक्टोरिया बॉयज स्कूल, डाउ हिल का जो रोड है, करशियांग म्यूजियम एंड गिदाराना किया एक व्यू पॉइंट है, वो वाला व्यू पॉइंट है, रोंगटोंग रेलवे स्टेशन है, हिस्टोरिकल रोंगटोंग रेलवे स्टेशन है। सो बहुत कुछ है हम लोग का आज लिस्ट में। और अभी का टाइम है दोपहर तो नहीं, सुबह का 11 बजा है अभी। और अभी हम लोग निकल गए हैं टूअर्स करशियांग। और अभी हम लोग मॉल रोड छोड़ के जा रहे हैं। और यहाँ से डाउ हिल का डिस्टेंस है 31 किलोमीटर। और गूगल जो बता रहा है टोटल हमको टाइम लगेगा 1 घंटा 10 मिनट। यहाँ देख सकते हैं मैं उतर गया हूँ एंड यहाँ से हमको जाना पड़ेगा लेफ्ट। सो लेफ्ट आ गए। अभी यहाँ से 27 किलोमीटर स्ट्रेट चलाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। स्ट्रेट 27 किलोमीटर, यहाँ से लगभग 6 to 7 किलोमीटर घूम रेलवे स्टेशन आपको मिलेगा। गाइस अभी हम लोग है घूम रेलवे स्टेशन। दार्जिलिंग से घूम लगभग 7 to 8 किलोमीटर है, ठीक है ना। और घूम से अगर आप लेफ्ट जाएंगे तो करशियांग, राइट जाएंगे तो मिरिक। एंड सामने का व्यू देखो भाई, इतना फॉगी अच्छा लगा ना। सो अभी तो हम लोग जाएंगे लेफ्ट की तरफ एंड दिस रोड गोज टू करशियांग। सो यहाँ से और हम लोग को 23 to 24 किलोमीटर चलाना पड़ेगा डाउ हिल के लिए, मतलब विक्टोरिया बॉयज स्कूल आ रहा है। हम आपको एक चीज़ कहते हैं कि जब भी आप दार्जिलिंग से डाउ हिल नहीं, मतलब गूगल मैप में आप डाउ हिल सर्च मत कीजिए, आपका डेस्टिनेशन कीजिएगा विक्टोरिया बॉयज स्कूल। तो उसमें क्या होगा ना, आपको लोकेशन सही से बताएगा, क्योंकि कुछ देर बाद आपका नेटवर्क चला जाएगा, नेटवर्क नहीं रहेगा। सो वहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा विक्टोरिया बॉयज स्कूल, तो आप सही पता में जाएंगे। और अगर आप डाउ हिल मारेंगे ना, आपको गलत रूट दिखाएगा। सो ऑलवेज सर्च विक्टोरिया बॉयज स्कूल करूँगा। यहाँ पे एक रोड है पेशोक रोड, अगर आपको जाना है लामा हाटा, दिस इज बोलो मारुति का कौन सा गाड़ी है, जिमनी आ गया, पहला जिमनी मेरे को दिखा दिया। कोई कॉल कर रहा है। और जो रुको, ये रोड है पेशोक रोड, ये वाला रास्ता पेशोक रोड है लामा हाटा जाने के लिए एंड तीस्ता बाजार जाने के लिए। सो वो वाला जो रास्ता गया था वो था पेशोक रोड विच इज़ कनेक्ट टू सेवोक एंड दार्जिलिंग, मतलब जो सेवोक एंड दार्जिलिंग को कनेक्ट करता है जो रास्ता, मतलब एक टाइप का कलिम्पोंग गैंगटॉक जो रास्ता कनेक्ट करता है दार्जिलिंग, और रास्ता का नाम है पेशोक रोड। और पेशोक रोड में आपको मिलेगा आपका वो लिट पंचार एंड लामा हाटा, उसके बाद आपका लावर व्यू पॉइंट एंड देन सेवोक तो आपको मिलेगा। और वही रास्ता अगर आप राइट में जाएंगे तो आपको कालिम्पोंग एंड गैंगटॉक मिलेगा, और लेफ्ट में अगर जाएंगे तो आपको थोड़ा देर जाने के बाद आपका वो आहलदारा वाला व्यू पॉइंट मिलेगा। गाइस लुक एट द व्यू, मतलब करशियांग वाला रोड मेरे को बहुत पसंद है सच में।
देखो दोनों तरफ नजारा, वाह। संधु लोग देख सकते हैं वेदर, एंड साथ में मेरा एक फेवरेट बाइक जा रहा है हिमालयन, कोशिश है लेने का, देखते हैं कब लूँ। अभी नहीं, नया मॉडल आ रहा है 450 का, वो ट्राई करूँगा। एंड सामने देख सकते हैं फुल फॉगी वेदर, इसको क्या बोलूँ, फुल्ली फॉगी वेदर आ गया पूरा। मेरे को बहुत मस्त लगता है ऐसे, मतलब पेड़ के बीच से जब हम लोग का कोहरा घुसता है ना, कोहरा बोले या इसको बादल ही पकड़ लीजिए, बादल है अभी तो कोहरा नहीं होता है, बादल जब घुसता है ना बहुत मस्त लगता है वेदर, सच में दारुण लगे देखते। सो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जगह पे काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, रोड कंस्ट्रक्शन का, क्योंकि बारिश अभी ख़त्म हुआ ना जस्ट, तो बारिश ख़त्म होने के बाद क्या ना, रोड में कभी कभी कोई कोई जगह पे बड़ा बड़ा खड्डा हो जाता है, कभी कभी आपका वो भी होता है ना, धंस जाता है, तो सब जगह का रिपेयरिंग का काम चल रहा है। सो अभी हम लोग ऑलमोस्ट मोर 15 किलोमीटर है, सो चले चलते हैं, गेट द व्यू, सामने देखो, सामने देखने के चक्कर में मैं गड्ढा में घुस गया, देखो जस्ट लुक एट द व्यू। मेरे को मन रहा है कि गाड़ी ऑटो पायलट मोड में रख दूँ, 30 लाख का जैसे कार आता है ऐसे, 30 लाख का अगर बाइक होता तो बाइक खुद से चलता और मैं ऐसे नज़ारा का इंजॉय लेता, क्योंकि बाइक भी चलाना पड़ रहा है और फिर सामने ऐसा ऐसा व्यू आ रहा है ना, मैं वो छोड़ भी नहीं पड़ रहा हूँ। सर डाविल का रास्ता कौन सा? थैंक यू सर। रास्ता जाता है करशियांग, आने वाला रास्ता जाता है डाविल, तो अभी हम लोग चले डाविल की तरफ, ए वाला रास्ता जाएगा डाविल, रास्ता बहुत हाई में है, देख के चलाना पड़ेगा, देख सकते हैं बहुत हाई में है, एंड ये रास्ता जाएगा अभी डाविल। तो मैं फर्स्ट गियर में हूँ, अभी सेकेंड गियर कर दिया, चलते हैं। रोड आपको समझ में आया, जब भी आप दार्जिलिंग से आएंगे 27 किलोमीटर चलाने के बाद वन वे आएगा टुवर्ड्स करशियांग, एंड वहाँ से आपको लेफ्ट में जाना पड़ेगा। यहाँ बहुत ऊपर जा रहा है, बहुत ऊपर है, तो देख सकते हैं यहाँ पे ट्रैफिक थोड़ा है, जिसके चलते मेरा थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। अब ब्रेक का यूज़ आपको अच्छे से करना पड़ेगा, देख रहे हो सब ओमनी ध्यान है, क्योंकि ये क्या मारुति का सबसे हल्का गाड़ी है एंड चलाने में भी मज़ा आता है, तो यहाँ पे मारुति का ज़्यादा मिलेगा क्योंकि बहुत हल्का गाड़ी यहाँ के लिए सही है। सिर्फ ब्रेकिंग आपको सही में लगाना पड़ेगा, बस ब्रेकिंग आपका सही होना चाहिए। देख सकते हैं कितना ऊपर जा रहा है, बहुत ऊपर है, यह बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर जाना पड़ रहा है, एंड देन हमको जाना पड़ेगा राइट। सकते हैं कैसा कैसा रास्ता है, प्रधान जी का रास्ता है, तो ऊपर 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 जा रहे हैं, ऊपर 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 जा रहे हैं, बहुत ऊपर आ गया भैया, बहुत ऊपर। वहीं में हम लोग लगभग से ऑलमोस्ट आ गए हैं, वही राइट लेफ्ट का है यहाँ पर, स्कूटी का तो यही फंडा अच्छा है ना, इसका गियर चेंज नहीं करना पड़ता। राइट लेफ्ट कर रहा हूँ भैया, यहाँ पे आके उतना गूगल माता को भरोसा मत कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि गूगल जी तो बताएगा ऐसा ही रोड, राइट लेफ्ट, बस मजा आनी जिंदगी,
रॉन्ग रूट पे आप नहीं जाएंगे, ये वाला है कि आप पूछते पूछते जाइए। हाँ, कहाँ से कहाँ पहुँच गए हम लोग। भैया वो डाउहिल वाला रास्ता है, तो हमेशा पूछते पूछते जाइए, लोकल पब्लिक आपका मतलब अच्छा है, वो लोग गलत रोड नहीं बताते हैं यहाँ का। सो हमेशा पूछते पूछते जाइए, हम देख सकते हैं कितना ऊपर है। लुक्स लाइक कि जन्नत में पहुँचा के देगा आपको। फर्स्ट गियर बाइक वाला जो भी है, फर्स्ट गियर में जाओ इस रूट पे, समझे ना, फर्स्ट रूट, फर्स्ट गियर में, हमेशा फर्स्ट गियर में। अरे डाउहिल का रास्ता, सो यहाँ से राइट, पूछते पूछते जाइए, हमेशा पूछते पूछते जाइए। और मेरा ये वीडियो आप फॉलो कीजिए तो फिर आपको उतना प्रॉब्लम नहीं होगा ढूंढने में। मेरा सेकंड गियर में प्रॉब्लम आ रहा है, देखना सेकंड गियर में प्रॉब्लम आ रहा है। मैं जब सेकंड गियर में हूँ थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, तो फिर भी मैं सेकंड गियर में रहूँगा। जाएगा बाइक, उसमें टेंशन नहीं है कि नहीं जाएगा, बाइक जाएगा। देख सकते हो धीरे धीरे भूतिया इलाका में हम लोग घुस रहे हैं। दोनों तरफ जंगल, घना जंगल आ गया है। अभी लग रहा है ना कोई हॉन्टेड प्लेस में जा रहे हो। सच में ऐसे नहीं बोलते कि इसको हॉन्टेड प्लेस, जगह ही ऐसा है। यहाँ पे अगर रात में आओगे तो फिर क्या नजर आएगा देखता है, रात में आओगे तो कैसा आएगा। This is Downhill School. This is Downhill School. यहाँ पे थोड़ा सा बाइक को रुकाते हैं। So friends लोग, अभी हम लोग हैं Downhill School, देख सकते हैं। अभी हम लोग को अंदर घुसने का परमिशन नहीं है, तो नहीं तो हम लोग अंदर घुस के आपको दिखाते कैसा है। ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का अंडर में है, एंड दिस इज गर्ल्स स्कूल, एंड विक्टोरिया जो है वो बॉयज स्कूल है। देख सकते हैं स्कूल, मतलब काश हम लोग का स्कूल भी ऐसा ही होता। हम लोग का भी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का स्कूल है, पर हम लोग का स्कूल से इसका कोई कंपेरिजन नहीं होता। जस्ट देखो स्कूल को, जस्ट मतलब एक अलग सा नज़ारा है, स्कूल का व्यू भी एकदम अलग है। देख सकते हो डाउहिल स्कूल, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, कक्षिंग डिस्ट्रिक्ट के अंडर में है। एंड जस्ट एक बार स्कूल को देखो, एक प्लेग्राउंड भी है स्कूल के साथ, एक प्लेग्राउंड भी है। आओ नानी आओ। अंदर जाने का परमिशन नहीं है, नहीं तो आपको अंदर जाके दिखाते ये स्कूल कैसा देखने में है। एंड दिस इज डाउहिल स्कूल, एंड इसके बाद हम लोग जाएंगे विक्टोरिया स्कूल जो गर्ल्स स्कूल है, एंड वहाँ पे फेमस जो चर्च है वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगा। एंड सब इसको हॉन्टेड प्लेस कहते हैं, पर मेरे को उतना हॉन्टेड नहीं लगता है कभी भी, सच पूछो। शांत है, बहुत शांत स्कूल है। सो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ से आए थे, वो कर्शियन ये वाला रास्ता कर्शियन जाता है, एंड टूवर्स ए डाउहिल की तरफ। एंड दिस इज डाउहिल स्कूल, द फेमस डाउहिल स्कूल, एक बॉय गर्ल्स स्कूल है, एंड ये वेस्ट बंगाल का गवर्नमेंट का अंडर में है। एंड अनदर वन इज विक्टोरिया स्कूल, जहाँ पे इसके बाद जाएंगे तो आप देख सकते हैं स्कूल एंड स्कूल का नज़ारा। सो अभी उतना टूरिस्ट है नहीं, एक तो टूरिस्ट का गाड़ी आ रहा है, अभी उतना टूरिस्ट है नहीं। सो अभी मैं जाऊंगा अभी विक्टोरिया स्कूल और जो हॉन्टेड प्लेस है वो दिखाऊंगा। सो अभी के लिए चलो, फिर हम लोग चलते हैं बाइक मोड में। सो फ्रेंड्स, डाउहिल स्कूल को अभी टाटा बाय बाय करके हम लोग निकल गए हैं टूवर्ड्स विक्टोरिया बॉयज स्कूल। डाउहिल स्कूल है गर्ल्स का, सो यही वाला रोड अभी जाएगा टूवर्ड्स हॉन्टेड प्लेस। देखते हैं कितना हॉन्टेड, कितना नहीं।
सर विक्टोरिया स्कूल के यही है। सो थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। यू सी विक्टोरिया बॉयज स्कूल, लुक एट द रोड, लग रहा है क्या हॉन्टेड? जो चीज लगता है सो कुछ ना कुछ तो घटता है, समझे ना, लगता है कुछ ना कुछ तो घटता है, तो वही बात हुआ है। सो पूछ लेते हैं, हाँ विक्टोरिया बॉस स्कूल, स्कूल में एंट्री नहीं है? नहीं। वो चर्च में जा नहीं जा सकते हैं, थोड़ा सा फोटो खींचते चल जाते। तो भाई बैड लक चल रहा है, तो देखते हैं वहाँ पे क्या है ना है। हम लोग को एंट्री नहीं दिया, दाहुल में आए हैं, दाहुल का चर्च में आए हैं। चल गए हैं, देखते हैं क्या मिलता है। हम लोग को एंट्री हो गया, तो हम लोग एंट्री नहीं दिया तो क्या हुआ, हम दूसरा दूसरा जगह पे घूमेंगे ना, दूसरा जगह पे जाएंगे, दूसरा जगह पे घूमेंगे। देखते हैं वहाँ पर क्या है नहीं है। सो हम लोग का बैड लग रहा कि हम लोग दाहुल आके भी विक्टोरिया स्कूल देख नहीं पाए, एंड मतलब दाहुल बॉयज स्कूल मैंने गर्ल्स स्कूल देखे, जो चर्च था हॉन्टेड चर्च वो हम देख नहीं पाए। तो अब हम लोग निकल जा रहे हैं, और हम लोग जा रहे हैं कैसा रोड, एकदम भूत जैसा देख सकते हैं, दिस इज द प्लेस ऑफ भूत, यहाँ पे हॉन्टेड बोलते हैं इसको। इसी को हॉन्टेड कहते हैं, जगह देखने से कैसा लग रहा है जस्ट देखो, जस्ट फील द साउंड, और अंदर हम लोग घुस गए था, साउंड तो बहुत डरावना है, डरावना तो है साउंड, देख सकते हैं डरावना है। एक टाइम में ये कहा गया था कि इस रोड पे बहुत सारा मर्डर एंड बहुत कुछ होता था, तो इसीलिए इस रोड पे कहा जाता है द रोड ऑफ डेथ, हम लोग को लेकर जाता है। होपफुली रोड बहुत खराब है, रोड का कंडीशन। आ गए हम लोग, नीचे उतर गए भैया। कर्शियंग का रास्ता नीचे,